सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हम लोगों ने 60 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको साइड में आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, चाहे वह राजन सीरीज के हो या पवन सीरीज के हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। बल किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बल से क्या कर सकते हैं हम, बल लगा करके किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धक्का देकर या खींच कर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर कर सकते हैं। और आप लोग इसका दैनिक जीवन में रोज उपयोग देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी चीज को धक्का या खिंचाव के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पर रख सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मजदूरों को देखा होगा। इसके अलावा किसी भी चीज को कोई धक्का लगा रहा है या खींच रहा है तो वह क्या होगा? बल होगा। आप लोग बहुत जगह रेस्टोरेंट में जाते होंगे या कहीं भी मॉल में जाते होंगे तो वहां पर लिखा होता है पुश या फिर पुल। उसका मतलब क्या होता है? चाहे पुश करिए आप या फिर पुल करिए, दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, एक में धक्का और एक में खींचना पड़ेगा। तो यही हो गया दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न संख्या, यही हो गया दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया बल। इसके बाद प्रश्न संख्या 62 है, दोलन गति किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे कि पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखा होगा, नीचे जो पेंडुलम चलता है वो क्या करता है, दोलन गति करता है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर नियत जगह पे जाएगा, फिर वापस जाके फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर अपनी नियत स्थिति पर आकर के खड़ा हो जाएगा। यानी कि अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, ठीक है। तो ये इसी गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों देखिए, झुके तल का मशीन की तरह प्रयोग, लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, मकानों में सीढ़ी के रूप में, पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में। तो दोस्तों ये हुआ झुके तल का मशीन की तरह प्रयोग। प्रश्न संख्या 64 है, चाल से क्या तात्पर्य? दोस्तों देखिए, किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। प्रश्न संख्या 65 है, किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? किसी भी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन, बल लगाकर किसी भी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई हल्का फुल्का गाड़ी है जो खड़ा है, या दो पहिया वाहन खड़ा है जिसको आप धक्का लगा करके आगे पीछे कर सकते हैं, या बल लगा करके उसे हैंडल को पकड़ करके आप उस गाड़ी को सही जगह पर लगा सकते हैं। तो यही क्या है, किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, और यही कैसे किया जा सकता है, बल लगा करके उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, बल के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों बल 5 प्रकार के होते हैं, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युतीय बल। अब है प्रश्न नंबर 67, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, वह कार्य करता है, उसे विद्युतीय बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, पदार्थों की विलयता से क्या आशय है? दोस्तों देखिए, जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात वे पानी में घुल जाते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वह पदार्थों की विलयता है। दोस्तों पदार्थों की विलयता से तात्पर्य है कि वे पदार्थ जो पानी में अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य का मतलब जैसे आप पानी में चीनी डालिए तो चीनी क्या होता है, पानी में घुल जाता है, फिर आपको चीनी दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो अदृश्य हो गया, यानी कि पानी में वो क्या हो गया, विलय हो गया। तो विलयता से तात्पर्य क्या है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69, पदार्थों के पृथकता की आवश्यक विधियों के नाम बताओ। दोस्तों देखिए, पदार्थों का पृथकीकरण कैसे करते हैं, यानी कि पदार्थों को किस तरीके से, जैसे कि चावल में कंकड़ है तो उसको कैसे निकालना है, या किसी भी चीज में जो अशुद्धियां मिली हुई है किसी भी अनाज में, उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं, बीन कर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, बीनना, चालना, छानना, वाष्पन, आष्पन विधि, ये है प्रमुख पदार्थों के पृथककरण के विधि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 70, थर्मामीटर क्या होता है? दोस्तों थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं जब बुखार होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मामीटर की सहायता से आपका कितना फारेनहाइट आपका टेम्परेचर है वो थर्मामीटर बताता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या आपको
डॉक्टर दबा देते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी है? दोस्तों एसआई मूल राशियों की संख्या 7 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है कभी कभी यही पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एसआई मूल राशियों की संख्या 7 होती है। प्रश्न संख्या 72 है, चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहां पर हुई? दोस्तों चुंबक की खोज सर्वप्रथम मैग्नीशिया में हुई। प्रश्न संख्या 73 है, मात्रक किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और इस मानक को ही मात्रक कहा जाता है। जैसे कि समय का मात्रक सेकंड मान लिया गया है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मान लिया गया है, तो ये क्या है, ये मात्रक है भौतिक राशियों के। प्रश्न संख्या 74 है, ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, एबोनाइट की क्षण को फला लैन से रगड़ने पर क्षण में प्राप्त होने वाला आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। प्रश्न संख्या 75 है, नैनो सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है? दोस्तों नैनो सेकंड 10^-9 सेकंड के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 76 है, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? दोस्तों द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान यम इंटू वी वेग, जहां पर यम द्रव्यमान है और वी क्या है, वेग। यानी कि दोस्तों अगर फॉर्मूला देखा जाए तो P is equal to यानी कि संवेग P = m × v होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 77 है, बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है? दोस्तों बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन बराबर कार्य होता है, W = f × d होता है। प्रश्न संख्या 78 है, कोई कण एक सेकेंड में जितने कोण में घूमता है इस घूर्णन गति को क्या कहते हैं? दोस्तों कोई कण एक सेकेंड में जितने कोण में घूमता है उसे हम इस घूर्णन गति को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, चुंबकीय बल किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। प्रश्न संख्या 80 है, पदार्थ की अवस्थाएं बताइए। दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस, कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीज की पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। प्रश्न संख्या 81 है, वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में रहते हैं? दोस्तों वे पदार्थ हैं गंधक एवं जल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डीएलएड से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, जो भी आप लोग का जितना भी पाठ्यक्रम है, किसी भी सेमेस्टर का, हम सभी जितने भी सेमेस्टर है आपके सभी के यहाँ पर पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए जो जरूरी टॉपिक्स हैं, जो भी आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछते हैं, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके सॉल्व करवाते हैं हम हर सेमेस्टर के। तो दोस्तों अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों इसके अलावा आपका ये कर्तव्य है कि आप सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं डीएलएड में, उन सभी को इस चैनल के बारे में बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, इससे जो भी हमारे भाई बहन है डीएलएड के, उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोग ये जाने कि यहाँ पवन सीरीज और राजन सीरीज दोनों को यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है और किसी भी सीरीज में कुछ भी मिस नहीं किया जा रहा है दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को इसको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतराणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। दोस्तों पदार्थ की गैसीय अवस्था में अंतराणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। दोस्तों इसका मतलब समझ लीजिए, अंतराणविक अवकाश दोस्तों जो गैस अवस्था होती है, गैस में क्या होते हैं, किसी भी गैस में जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं। इसके अलावा जब वही चीज द्रव अवस्था में आती है तो उसके कण थोड़ा और पास पास आ जाते हैं, लेकिन जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में आ जाती है तब उसके जो कण होते हैं वो बिल्कुल आपस में और नजदीक आ जाते हैं, यानी कि बिल्कुल आपस में चिपक जाते हैं। तो ये जो है, चाहे वो ठोस अवस्था हो, द्रव अवस्था हो, गैस अवस्था हो, तीनों में जो अंतराणविक अवकाश होता है वो सबसे अधिक गैस में होता है और सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है, क्योंकि ठोस में बिल्कुल जगह ही नहीं बचती है, बिल्कुल आपस में अणु बिल्कुल चिपके होते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, पृथक्करण किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, किसी मिश्रण में विलेय अथवा अविलेय पदार्थों को अलग करने को ही पृथक्करण कहते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, विलायक किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, कोई पदार्थ जब किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव में विलेय तथा द्रव को विलायक कहते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, यौगिक क्या है? दोस्तों देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। प्रश्न संख्या 86 है, पृथक्करण की कोई दो विधियां बताइए। दोस्तों देखिए, भाप आसवन तथा प्रभाजी
आसवन। प्रश्न संख्या 87, यह मिश्रण किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों अनिश्चित अनुपात में सम्मिलित रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। प्रश्न संख्या 88, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिल जाए तो आप इन्हें कैसे पृथक करेंगे? दोस्तों तो कैसे पृथक करेंगे, हम इनको छान करके क्या कर लेंगे, उनको पृथक कर लेंगे, क्योंकि जब आप छानेंगे शरबत को तो लकड़ी के टुकड़े क्या है वो उसी छन्नी में छन जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 89, द्रव्यमान किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण यानी कि मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या आप सभी लोग जानते हैं, MKS पद्धति में किलोग्राम होता है। प्रश्न संख्या 90 है, मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ष 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मात्रक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम बताइए। तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप आदि क्या है, ये भौतिक राशियां हैं। प्रश्न संख्या 92 है, समय का मानक मात्रक क्या है? दोस्तों समय का मानक मात्रक है सेकंड, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछने की प्रबल संभावना, जितनी भी भौतिक राशियां हैं यहाँ पर। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 में कुछ प्रमुख भौतिक राशियों का नाम दिया है और यहाँ पर 92 में दिया है समय का मात्रक क्या है। दोस्तों प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भौतिक राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, आप लोग एक नंबर बहुत ही इजी वे में मिलेगा अगर आप सही लिख के आएंगे तो। भौतिक राशियों में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबको अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लेना है किसका मात्रक कौन सा है और कितनी भौतिक राशियां टोटल होती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, आयतन का मानक मात्रक क्या होता है? दोस्तों आयतन का मानक मात्रक घन मीटर होता है। प्रश्न संख्या 94 है, समय की अवधि का मापन किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों समय की अवधि का मापन सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। प्रश्न संख्या 95 है, क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है? दोस्तों क्षेत्रफल का मानक मात्रक वर्ग मीटर है यानी कि मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 96 है, स्वपोषी किन्हें कहते हैं? दोस्तों देखिए, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं अतः स्वपोषी कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, परपोषी किसे कहते हैं? जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपने भोजन हेतु पेड़ पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, श्वसन का क्या अर्थ है? दोस्तों देखिए, जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में छोड़ते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर लिखा हुआ श्वसन क्या होता है तो आप लोग इसको एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, प्रमुख श्वसन अंगों के नाम बताइए। दोस्तों देखिए, फेफड़े, गलफड़े आदि। प्रश्न संख्या 100 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किन्हें कहते हैं? दोस्तों देखिए, जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, देशांतरण से क्या अभिप्राय? तो देखिए, पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं, कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों देखिए, बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है। प्रश्न संख्या 104 है, मृतिका किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, पके हुए बर्तनों को मृतिका कहा जाता है। प्रश्न संख्या 105 है, खिड़कियों में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? दोस्तों खिड़कियों के लिए साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 106 है, पुष्प के मुख्य चार भागों के नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। प्रश्न संख्या 107 है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। दोस्तों देखिए, गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F=ma, F बराबर m गुणे a, यही होता है गति का नियम। प्रश्न संख्या 108 है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों पारदर्शी और अपारदर्शी बहुत ही आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग देख सकते हैं। जैसे कि पारदर्शी का मतलब होता है, अगर कोई दीवार के बीच में अगर शीशा लगा हुआ तो दीवार के आप आर पार देख सकते हो। जैसे खिड़की लगी हुई है आपके घर में, तो अगर आपके घर में खिड़की जो पारदर्शी है, बिल्कुल शीशा दिख रहा है आर पार, तो आप देख सकते हो बाहर हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और अगर उसी खिड़की, अगर उस शीशे की जगह पर एक लकड़ी लगा दी जाए, पूरा लकड़ी का फ्रेम लगा दिया जाए, तो लकड़ी के आर पार आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, तो वो क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। तो यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी हो गया, और जिसके आर पार हम नहीं देख सकते वो क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं वे क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, तथा उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है। जैसे पानी,
कांच आदि। ये पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम अपारदर्शी कहते हैं तथा उनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है। जैसे वायु, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धुआं धुंधला दिखाई देता है, इन्हें पारभासी कहा जाता है। उदाहरण के लिए तेल लगा कागज, बटर पेपर, पॉलीथीन आदि। दोस्तों जिन पदार्थों से धुंधला दिखाई देता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन पदार्थों को पारभासी कहते हैं। तो ये भी आप लोग जानिए, जैसे तेल लगा कागज, उससे क्या होता है, हल्का फुल्का आर पार दिखता है। इसके अलावा पॉलीथीन भी जो होता है उससे भी धुंधला दिखाई देता है। कुछ पॉलीथीन ऐसे होते हैं जिनसे दिखाई देता है कि पॉलीथीन के अंदर क्या रखा है। तो ये होते हैं दोस्तों, ये पदार्थ कहलाते हैं पारभासी। प्रश्न संख्या 109 है, परमाणु किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। प्रश्न संख्या 110 है, अलैंगिक जनन की 5 विधियां प्रकारों के नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा या फिर कायिक प्रवर्धन। प्रश्न संख्या 111 है, घर्षण बल क्या होता है। दोस्तों देखिए, किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 112 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, रोपण, कलम लगाना, दाब और कलम। इसके बाद प्रश्न संख्या 113 है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। दोस्तों पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में को करना। प्रश्न संख्या 114 है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है वे पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस रूप में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि कपूर, कपूर को आप जलाएंगे तो वो सीधे गैसी अवस्था में तब्दील हो जाएगा, वो उसमें दोस्तों जो है आपका द्रव उसमें नहीं कन्वर्ट होता है। ऐसे ही नौसादर की भी यही स्थिति होती है, वो सीधे जो आपका ठोस अवस्था है ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है बीच में। तो जो पदार्थ सीधे ठोस से गैस में आ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। दोस्तों घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। प्रश्न संख्या 116 है, हमारे शरीर में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। प्रश्न संख्या 117 है, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। दोस्तों देखिए, जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं जिन्हें वायुकोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न भागों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इसकी पत्तियां चपटी हैं और इसकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। प्रश्न संख्या 118 है, कीट भच्ची पौधे की विशेषता में नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, कीट भच्ची पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्डी और ड्रोसेरा, ये दोनों क्या है, ये कीट भच्ची पौधे हैं जो की कीटों को खाते हैं। प्रश्न संख्या 119 है, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों देखिए, लट्टू का जो घूमना फिरना होता है वो क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। यानी कि लट्टू का फिरना घूर्णन गति और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वृत्तीय गति कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने सर्कस में अगर देखा होगा, मौत का कुआं जो चक्कर लगाता है, बाइक से जो व्यक्ति चक्कर लगाता है वो क्या करता है, वो भी वृत्तीय गति करता है। तो वृत्तीय गति का ये भी उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 120 है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, सरसों के पुष्प के कौन कौन से अंग होते हैं, पुष्प, फल, तना, पत्ती, प्राथमिक जड़ तथा द्वितीय जड़। प्रश्न संख्या 121 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। दोस्तों देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकते हैं। प्रश्न संख्या 122 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन अभी भी रिपीट हुआ है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं, विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो दोस्तों ये आपके 122 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल कम्प्लीट होते हैं। फिर से मैं दोस्तों रिपीट कर दूं, आपके सभी अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी क्वेश्चन को अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर साइड में आई बटन पे क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, जो आपके इंटर्नशिप की फाइल बनती है उसका भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनानी होती है और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरीके से लिखना होता है फाइल को,
सब कुछ आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट के थ्रू बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसको हम लोग जरूर उसको एक्शन में लेते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोज को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम कहीं पर भी हम इसको शेयर करते रहिए। दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।